हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बिफोर वी स्टार्ट दी वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लो दबा के, और वीडियो को लाइक कर देना वीडियो अच्छी लगे तो। तो आज मैं कुछ आपके लिए स्टॉक्स लेके आया हूँ जो कि आप स्विंग ट्रेड के लिए ले सकते हो, और मैं भी पर्सनली अपने वॉच लिस्ट में ला के बैठा हूँ। जो भी मेरे को अच्छा लगेगा मैं उन 3-4 स्टॉक्स में से उसको बाय करके होल्ड करने वाला हूँ थोड़े दिनों के लिए। तो चलो वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। और तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एनालिसिस करा था और मुझे कुछ स्टॉक्स दिखे जो कि अभी बहुत अच्छे मुझे लग रहे हैं सेटअप पे। यहाँ पे एक है राधिका ज्वेल्ट है, यहाँ पे देख सकते हो आप, इसने वीकली जो चार्ट है इसमें कितना बड़ा बुलिश कैंडल बनाया है, और उसके बाद अगर मैं देखूँ उसको तो डे लेवल पे एक अच्छे लेवल पे है। ये एमा का सपोर्ट लेके इसने ब्रेकआउट दिया, और कम से कम नहीं तो ये 75 के लेवल तक आराम से जा सकता है, इतना पोटेंशियल लग रहा है इसके अंदर आराम से। तो ये एक मेरा ट्रेडिंग प्लान है इसमें कि ये समय अराउंड 68 को क्रॉस करेगा तो मैं इसको होल्ड करके 74 तक थोड़ा बाय करके रखना चाहूँगा, या उससे ऊपर भी एक दो दिन के लिए। तो इसको हम बाय कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हो सारे चार्ट में बुलिश है, अभी करंटली अभी ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास है, लेकिन ये बुलिश ट्रेंड में जा रहा है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं एक अच्छा सा पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से एक अपसाइड का मूव आ सकता है आराम से। तो 75 का टारगेट इसको लेके हम निकल सकते हैं। फिर उसके बाद मेरा जो सेकेंड स्टॉक है वो है ITC का। ITC में भी आप देख सकते हो ये एक वीकली कैंडल इसने बुलिश बनाई है बैक टू बैक, 3 वीक से ये एक ही एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है एक डाउन ट्रेंड के बाद। तो एक डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे फिर ये कंसोलिडेशन चल रही है इसकी, और उस देखा जाए तो यहाँ पे फिर आप एक 433 तक का एक मेरे को अपसाइड का मूवमेंट दिख रहा है। फिर उसके बाद इस एमा के बाद अगर ये ब्रेक करता है तो ऊपर 440 के भी लेवल देखने को मिलेंगे, और सो ऑन। तो इसको हम अभी ये जोन में, ये अभी कंसोलिडेशन में के जोन में है, अभी हम इसको इसका वेट करेंगे। और आई होप ये एक आध दिन में ही, क्योंकि आप देख सकते हो ये 4 घंटे के अगर मैं चार्ट पे देखूं तो इसने एक बिल्कुल मस्त सा कैंडल बनाया ऊपर साइड का बुलिश कैंडल, और यहाँ पे ये देख सकते हो इसको ये हैमर बना के एक बहुत बड़ा बुलिश कैंडल बना के इसने एमा को ब्रेक किया, और ईजिली मेरे को टारगेट लग रहा है 440 तक चले जाना चाहिए आने वाले दिनों में। तो यहाँ पे इसको हम प्लान कर सकते हैं लेने का, बट पहले। और इसके बाद मैंने एक निकाला का है CSB बैंक करके एक है, जहाँ पे आप देख सकते हो इसने भी अपने एमा का सपोर्ट लिया, ये अपट्रेंड में था, और इसने अभी एक डाउन फॉल के बाद, अच्छे खासे डाउन फॉल के बाद एमा का सपोर्ट लेकर ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। पिछली बार भी जब ये नीचे आया था इस एमा का इसने सपोर्ट लिया, अपसाइड का मूव गया, फिर उसके बाद ये यहाँ पे भी इसने समय अराउंड एमा के आसपास सपोर्ट लिया और यहाँ पे एक अच्छा मूव दिया। तो वापस अभी ये एमा के आसपास आ रखा है, और यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि एक अच्छा सा मूव दे, और इस हो सकता है 422 के लेवल को ब्रेक करके भी ऊपर जा सकता है। तो इसको भी हम प्ले आउट कर सकते हैं, हमने छोटे टाइम फ्रेम पे इसको देखेंगे। इसका जो भी रेजिस्टेंस है, इमीडिएट रेजिस्टेंस इसका यही है ट्रेंड लाइन, इसको ये जैसी ब्रेक करता है और इसको हम अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे अगर मैं चार्ट पे आपको दिखाऊं तो ये एक फ्लैग एंड पोल जैसा पैटर्न बना रहा है यहाँ पे, और ये ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के आसपास है, इस जगह पे इसका ब्रेकआउट है। तो ये जैसे ही निकलेगा तो एक अच्छा खासा हमें रिटर्न देके जाएगा। तो ये CSB बैंक का एनालिसिस है। और फिर मैं एक एप्टस है इसको भी एनालाइज कर रहा था, और इसमें ये अच्छे खासे वॉल्यूम वाले शेयर हैं जो मैंने ढूंढ के निकाले हैं अपने स्विंग ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी एक अच्छे खासे अपसाइड के मूव में ही है अभी, और यहाँ पे अपसाइड के मूव के बाद इसने एक यहाँ पे एक फॉल लिया है छोटा सा। तो कहीं ना कहीं ये एमा के आसपास ये सपोर्ट लेके अब ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहा है। तो ये वीकली चार्ट पे, और वीकली चार्ट का सपोर्ट हैवी होता है। तो इसके बाद ये यहाँ पे आप देखोगे डे पे तो इसने ऑलमोस्ट यहाँ पे देखो इतनी हैवी कैंडल बना रखी है, और ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है जो ब्रेक होने के बाद मेरे को ऊपर लेवल के देख सकते हैं, ये जो लेवल है मैंने मार्क कर रखे हैं ये मुझे दिख सकते हैं आराम से। तो इसको भी हम छोटे चार्ट पे प्ले आउट करेंगे जहाँ पे इसकी एक एंट्री डिसाइड होगी। तो मैंने ये टारगेट पहले से सेट किए हैं, और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये मैंने चार्ट में टारगेट सेट किए हैं। जब इसका ब्रेक होगा 349 का ब्रेक होगा तो इसमें एक एंट्री बन सकती है, और इसके ब्रेकआउट के बाद हमारा जो पहला टारगेट होगा 359 का, और यहाँ पे जब रेजिस्टेंस फेस करके इसको ब्रेक करेगा तो हमारा सेकंड टारगेट 367 का होगा, और इसके बाद हम इसके ऊपर भी प्ले आउट कर सकते हैं 384 तक। तो बस ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और अपने स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करके इसमें ट्रेड करना होगा। कि ये कुछ 4 स्टॉक हैं
जिनको आप अपने स्विंग ट्रेड में कंसिडर कर सकते हो, एप्टिस, CSB बैंक, ITC और राधिका ज्वेल टेक। तो आप इनको देख सकते हो, और वीडियो अच्छी लगे तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन। थैंक यू।